रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिसमें श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उन्हीं में से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिया था। लेकिन क्या आपको पता है कि वो धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस पाप की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, आधा अधूरा छोड़कर प्रभु श्री राम और सीता जी का अनादर ना करें। श्री राम हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। मिथिला नगरी में जनक राजवंश राज करता था। उन्हीं में से एक राजा शिरध्वज थे। एक बार यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे, उसी समय वहां से एक छोटी कन्या निकलती है। इस सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया, उसका नाम सीता रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वहां उन्हें एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया जो बहुत ही खूबसूरत था। वे दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बातें कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा होंगे, उनकी महारानी का नाम सीता होगा। श्री राम सीता के साथ कई वर्षों तक राज्य करेंगी। धन्य हैं वे जानकी देवी और धन्य हैं वे श्री राम। तोते की ऐसी बातें सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे ही बारे में बातें कह रहे हैं, इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूं। इसीलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से उन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गईं और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आईं। माता सीता उन पक्षियों से कहती हैं कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, राम कौन है और सीता कौन है, तुम्हें उनके बारे में कैसे पता है। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि हैं, हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। उन पक्षियों ने सीता को यह भी बताया कि इस ग्रंथ में महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि ऋष्यशृंग के द्वारा किए गए पुत्रेष्टि यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ये चार मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र और अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर उस पक्षी के जोड़े ने कहा, हे सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जाना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहां होंगे, वे किसके पुत्र हैं, कैसे वो मिथिला आकर जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला कि श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर, नेत्र बड़े बड़े और खिले हुए, नासिका ऊंची, पतली भुजाएं घुटनों तक, गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य हैं, जो जल्द ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज करेंगी। लेकिन तुम कौन हो, पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो वो मैं ही हूं। माता सीता उन्हें कहती हैं कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहां आकर मुझसे विवाह करेंगे, तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा, मैं गर्भवती हूं, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी, आप चाहें तो उसके बाद फिर से यहां आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यानी नर तोते ने कहा, सीता मेरी पत्नी को छोड़ दो, वो गर्भवती है, जब ये बच्चों को जन्म दे देंगी तब उसे लेकर मैं फिर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है, तुम घबराओ नहीं, मैं इसकी अच्छे से देखभाल करूंगी।
जब सीता ने उस मादा तोते को छोड़ने से मना कर दिया तब वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दिया कि अरे, जिस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं गर्भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नर पक्षी दुखी हो गया। फिर वो सीता जी से बोला कि मैं मनुष्यों से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वो वहां से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण ही सीता जी का अपमान हुआ, उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसीलिए जब माता सीता गर्भवती थी तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल हमें यहीं मिलता है। इस कहानी से ये बात सिद्ध भी हो जाती है कि कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों को फल भोगना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।